सारी राजनीति जिंदा है। लेकिन साथ ही ऐसे घूमने का कोई फायदा नहीं है। सरकार वालों के थोड़ा जो काम होते हैं, बिना सरकार के कोई काम नहीं होते। हम साथ सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। राजनीति जा रहे हैं तो सत्ता प्राप्त करने के लिए आए हैं। सत्ता के अंदर आए हैं तो लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। सेवा तब होगी जब आप साथ सत्ता हासिल करेंगे, और सत्ता हासिल साथियों सिरों की गिनती से होती है। सिरों की गिनती से होती है। सिरों की गिनती आज साथियों ईवीएम के अंदर होती है। तय किया जाता है कि सिरों की गिनती किसके साथ खड़ी है। आज साथियों हमारे जिले के अंदर हमने चुनाव लड़ा, लेकिन साथियों इत्तेफाक से चारों से हार गए। साथियों काम कैसे होंगे, काम कैसे होंगे वे साथियों? काम तो विधायक से होंगे। काम तो साथियों सरकार जब बनेगी तो विधायकों से बनेगी। लेकिन उस समय जब चुनाव आता है तब हम देखते हैं कि हमने किसकी कर निकालनी है, किसका फुट्टा पारना है, किसका फुट्टा डालना है। साथियों हम फुट्टा फाड़ने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। सपा आपको बदला देता हूँ, हम राजनीति कर रहे हैं अपने घर को मजबूत करने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। जो लोग फुट्टा फाड़ने की बात करते हैं तो उसका मतलब अपने घर की नींव को कमजोर कर रहे हैं। साथियों आप यदि अपने घर को मजबूत करेंगे तो पार्टी मजबूत होगी। साथियों इसलिए एक तो फुट्टा पारने वाला साथियों जो हमने रोबर सारे प्रदेश के अंदर मैंने देखा है, मैंने भी चुनाव लड़ा तो फलादा फुट्टा पारना है। अरे साथियों पहला किसी को फुट्टा पारने से पहले अपना फुट्टा पारने का काम करो। गलत तो नहीं करा भी साथियों। तो इसलिए साथियों आपके बीच में खास तौर से सुबेर का वो लोग कैसे जुड़ेंगे जब तक हम उनके बीच में पैसे से मिल सकते जाएंगे। आज बाद में दुष्यंत चौटाला जी जन नायक चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को लेकर के चल रहे हैं। हमारे गुरुओं पीर पैगंबरों की जो नीतियां थी उनकी विचारधारा थी उसको लेकर के चल रहे हैं। खास तौर से साथियों आज हमारे बीच में कौन सी विचारधारा आज हमारे बीच में साथियों सबसे पहले प्रत्येक प्रबंध करते युवाओं के लिए कौन से नेता ने आज तक सोच डाली थी कि प्रदेश के अंदर प्रदेश का युवा दूसरे प्रदेश में ना जाए, प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। तो केवल एक ही मात्र ऐसे नेता है जिन्होंने एक विजन सोचा, विजन बनाया कि हरियाणा प्रदेश का युवा कहीं पर दूसरे स्टेट में नौकरी करने के लिए नहीं जाएगा। 75% निजी 75 के अंदर रिजर्वेशन देने का प्रावधान कानून बनाने का काम आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने किया। ये सोच है आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की युवाओं के लिए। इसी प्रकार से हमारी बहन बेटियों के लिए सम्मान देते हुए साथियों लोग करते आए हम 50% देंगे फला देंगे, लेकिन आज यहाँ दुष्यंत चौटाला जी ने साथियों 50% आरक्षण देने का कार्य पंचायत के अंदर अपनी सरकार के अंदर बुलाने का कार्य किया है। ये सम्मान महिलाओं के लिए दिया है। इसी प्रकार से हमारे बीच में युवाओं बुजुर्गों के लिए साथियों 5,500 रुपये पेंशन का हमने वादा किया था, लेकिन सरकार इत्तेफाक से नहीं बनी। यदि सरकार बन जाती तो पहली कलम से साथियों हमारी पूर्ण बहुमत से भी सरकार बनती तो 5,500 रुपये पेंशन पहली कलम से बनती। लेकिन फिर भी साथियों सरकार में सहयोगी होते हुए 500 रुपया पर साल हर साल बढ़ाने का कार्य आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी आपके बीच में कर रहे हैं बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए। तो इस प्रकार से यानी कि जब तक 5 साल होंगे तो आपके 5,500 रुपया हर हालात में जो मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने कहा था वो अपना मैनिफेस्टो पूरा करेंगे। खास तौर से मैं अपने दलित वर्ग के भाइयों से बोलना चाहूंगा। साथियों ने एक वादा किया था कि भव्य मंदिर का निर्माण गुरुदास जी का भव्य मंदिर बनाने का कार्य मैं प्रदेश के अंदर करूंगा। तो साथियों उन्होंने वो कार्य करने का कार्य किया। 5 एकड़ जमीन साथियों उन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर चलाने का कार्य किया। ये साथियों वहां पर भव्य मंदिर बनने के लिए तैयार खड़ा, वहां पर उनका निर्माण हो रहा है। तो जो स्टेट है हर वर्ग के लिए आएगा दुष्यंत चौटाला जी के लिए। इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ साथियों सोच अपने नेता की, क्योंकि सोच क्या है साथियों की गरीब नारी फैमिलियों की सोच नहीं है। वो व्यवस्था बदलना चाहते हैं, वो समाज के अंदर व्यवस्था बदलना चाहते हैं, सर्व समाज को बराबरी से देखना चाहते हैं। समस्त भवन का निर्माण साथियों के अंदर बना है।
धन्यवाद।